न्यूज धमाका लाइव, यहाँ सिर्फ सच ही दिखेगा। चाईबासा लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिमी सिंहभूम जिले पुलिस को मिली बड़ी सफलता। गोइलकेरा थाना और आनंदपुर थाना के सीमावर्ती क्षेत्र में जिला पुलिस ने 2 AK-47, 3 मैगजीन, 118 गोली और 50,000 रुपयों के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार। युक्त आशय की जानकारी जिले के पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने प्रेस वार्ता संयोजित कर दी। पुलिस अधीक्षक बताते हैं कि उन्होंने सूचना मिली थी कि गोइलकेरा थाना क्षेत्र के जंगल पहाड़ी क्षेत्र में प्रतिबंधी नक्सली संगठन PLFI के एरिया कमांडर सोमा हेमरम उर्फ नजोम पेश कंजरू हेमन अपने दोस्तों के कुछ सदस्यों के साथ भ्रमणशील होने एवं गोइलकेरा आनंदपुर थाना क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों बंद कराने तथा संवेदकों से लीवी मांग रहे हैं। इस प्रकार आवश्यक कार्रवाई के लिए पुलिस अधीक्षक के द्वारा एक टीम का गठन किया गया। टीम ने 57 के सशस्त्र बल व शामिल किया गया। गठित टीम जैसा कि विदित है कि अभी लोकसभा चुनाव 2014 आसन है और इसी को लेकर पुलिस की तरफ से भी अपराध नियंत्रण एवं उग्रवाद के विरुद्ध कार्रवाई को लगातार संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में हम लोग को कल शाम को एक सूचना प्राप्त हुई कि गोइलकेरा एवं आनंदपुर थाना के सीमावर्ती क्षेत्र में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन PLFI का जो एरिया कमांडर है नजम, वो अपने सदस्य के साथ लेवी का कुछ पैसा आदान प्रदान करने के लिए प्रस्तुत है। इसके आलोक में हम लोगों ने त्वरित एक टीम का गठन किया, जिसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चक्रधरपुर के नेतृत्व में थाना प्रभारी गोइलकेरा एवं अन्य पुलिस पदाधिकारियों के साथ गोइलकेरा सेट की टीम को उस क्षेत्र में अभियान संचालन हेतु आदेशित किया गया। और अभियान संचालन के क्रम में रात में ग्राम चितिर के समीप जंगली क्षेत्र में जो हम लोग को जहाँ सूचना थी उसके आधार पे जो एरिया कमांडर है नजम, उसकी गिरफ्तारी हुई और साथ ही साथ उसका एक सहयोगी बिरसा टंडाई वो भी वहाँ से गिरफ्तार हुआ। और इन लोगों के पास से 2 AK-47 राइफल और उसके अलावा 3 मैगजीन और कुल 118 गोली, जिसमें 88 गोली AK-47 की है और लगभग 30 गोलियां 315 राउंड जो होता है वो है। साथ ही साथ कुल इनके पास 50,000 नकद लेवी की राशि प्राप्त हुई है और PLFI का जो पर्चा होता है जो इनके द्वारा उपयोग किया जाता है लेवी का रसीद देने के रूप में, उसकी बरामदगी हुई है। विगत कुछ दिनों से विशेषकर ये एरिया कमांडर उस क्षेत्र में आनंदपुर और गोइलकेरा तथा बुगड़ी के सीमावर्ती क्षेत्र में भ्रमणशील था और विभिन्न संवेदकों से लगातार लेवी की मांग की बातें प्रकाश में आ रही थी और इसकी गिरफ्तारी से उस क्षेत्र में डेफिनेटली लोगों को काफ़ी शांति का अनुभव करने का होगा फायदा। साथ ही साथ जो इनके विरुद्ध पूर्व में अंकित कांड है उसका लगभग नजम के विरुद्ध लगभग 1 दर्जन कांड पूर्व से अंकित हैं, जिसमें आगजनी हत्या और लेवी डिमांड से लेकर विभिन्न प्रकार के उग्रवादी कांड भी हैं। साथ ही साथ जो बिरसा खंडाई थे इसके विरुद्ध भी पूर्व में 3 कांड अंकित हैं और अभी इन लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जाए।